कोरोना वायरस ने देश में भयानक रफ्तार पकड़ ली है। भारत में कोरोना के आंकड़े 1.5 लाख को भी पार कर गए हैं। पहले जहां भारत में केस 10,000 से नीचे बने हुए थे, वहीं 7 महीने बाद रोजाना के मामलों में तेजी से उछाल आया और अब देश में रोज 1 लाख से ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। वहीं कोर्ट के 150 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं संसद भवन में भी कोरोना पहुंच गया है। भवन के 400 से ज्यादा स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाल ही में स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों का कोरोना टेस्ट हुआ था। उधर WHO की मारिया वैन करखोव ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के 3 कारण बताए हैं। पहला, कई म्यूटेशंस इसे मानव कोशिकाओं से अधिक आसानी से चिपकने में सक्षम बनाते हैं। दूसरा, यह इम्यूनिटी को एस्केप कर जाता है, यानी री इन्फेक्ट होने का खतरा बना रहता है। और तीसरा, डेल्टा आदि वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन निचले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं बल्कि ऊपरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रिप्लिकेट होता है। दुनिया भर में मात्र पिछले 7 दिनों में 1 करोड़ के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल आपको बताते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज जारी किए गए ताजा आंकड़े क्या कहते हैं। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस से 1,59,632 लोग संक्रमित पाए गए और 327 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस दौरान 40,863 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। हालांकि रिकवरी रेट रोजाना गिरती जा रही है। फिलहाल कोरोना से ठीक होने की दर 96.98% दर्ज की गई। राज्यों की बात करें तो बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 41,434 मामले, दिल्ली में 20,181 मामले, पश्चिम बंगाल में 18,802 मामले, तमिलनाडु में 10,978 मामले, कर्नाटक में 8,906 मामले, उत्तर प्रदेश में 6,401 मामले, केरल में 5,944 मामले और गुजरात में कोरोना वायरस के 5,677 मामले सामने आ चुके हैं। इनके अलावा दूसरे राज्यों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब एक नजर देश में एक्टिव केसेस पर भी डाल लीजिए। देश का फिलहाल एक्टिव केस लोड बढ़कर 5,90,611 हो गया है। अगर कोरोना के मामलों की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो अगले 4-5 दिनों में ये आंकड़ा 10 लाख पार हो सकता है। डेली पॉजिटिविटी रेट भी 10.21% हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। भारत में ओमिक्रॉन के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 3,623 मामले सामने आ चुके हैं। ये सभी मामले 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। वहीं अब तक इससे 1,400 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के आंकड़े 1,000 को पार कर गए हैं। महाराष्ट्र 1,009 मामलों के साथ टॉप पर, दिल्ली 513 केस के साथ दूसरे और कर्नाटक 441 केस के साथ तीसरे स्थान पर है। इनके अलावा राजस्थान में 373, केरल में 333, गुजरात में 204, तमिलनाडु में 185, हरियाणा और तेलंगाना दोनों राज्यों में 123 मामले, उत्तर प्रदेश में 113 मामले, ओडिशा में 60, आंध्र प्रदेश में 28, पश्चिम बंगाल और पंजाब में 27-27 मामले और गोवा में 19 मामले सामने आ चुके हैं। इनके अलावा असम और मध्य प्रदेश में 9-9 मामले, उत्तराखंड में 8, मेघालय में 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में 3-3 मामले, पुदुचेरी में 2 मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां फिलहाल 1-1 मामला ही दर्ज किया गया है। NBT डिजिटल की रिपोर्ट।